जाते थे, मस्ती करते थे। नाउ इट्स कोरोना टाइम। सेव्स द चैप्टर। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुमी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती? ये जो एक घटना थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, नहीं तो कुमी उसको अपनी डायरी में क्यों लिखती? अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा। अपनी डायरी में उसने क्या लिखा? 17 मई को 2155 को नाइट को लिखा था, रात में लिखा था। आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। आज ये जो रोहित है उसको एक बुक मिली है, पुस्तक, बुक। वह पुस्तक बहुत पुरानी है, ये वो जो बुक है वो बहुत ओल्ड है। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छापी थी और पढ़ी जाती थी। कुम्मी के जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने बताया जब वो बहुत छोटे थे हमारी तरह, जैसे मैं, जैसे आप, तो ये जो हम जैसे हमारी बुक्स छपती हैं ऐसे पेज पे लिखते हैं कुछ, वैसे छपती थी। पुस्तकों में प्रतिष्ठित होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी, और हर प्रतिष्ठित पढ़ने के पश्चात दूसरे प्रतिष्ठित को पलटकर आगे पढ़ना होता था। देखो हर एक पेज पे थोड़ा सी कहानी छपी होती थी और नेक्स्ट पेज पे और छपी होती थी कहानी, और हमें वो पेज पलटकर और कहानी पढ़नी होती थी। सारे शब्द स्थिर रहते थे, सारे शब्द एक जगह टिके रहते थे, चलते नहीं थे जैसे हम चलते हैं, चलते नहीं थे, और आजकल पर्दे पर चलते हैं, और ये जो आजकल है ये जो पर्दे पर है ऐसे वर्ड चलते हैं। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, ये जो रोहित है उसने कहा था कि कितनी बुक्स हैं जो खराब जाती होंगी, बेकार जाती होंगी। एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। एक बार वो बुक पढ़ ली और फिर वो वापस बुक बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती हैं। अब तो ये जो टेलीविज़न होते हैं, टीवीज वगैरह, उन पर ये जो बुक्स हैं ना उन पे बुक्स ही आ जाते हैं टेलीविज़न पे, और बुक है जो नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ से हाँ मिलाई, ये जो कुम्मी है उसने भी ये जो रोहित के साथ हाँ कर दी। फिर पूछा तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? फिर कुम्मी ने पूछा कि ये जो बुक तुम्हें कहाँ पे मिली, वेयर? रोहित ने बताया, रोहित ने कुछ बताया, अपने घर में, ये जो रोहित का घर है वहाँ पे मिली इस रोहित को। एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, एक कोई ओल्ड बॉक्स था वो कहीं दबा हुआ था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। उसी डब्बे को ना फेंक रहे थे पर उसमें से ये पुस्तक मिली, बुक मिली। इसमें क्या लिखा है, इस बुक में क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में, स्कूल्स के बारे में, स्कूल, कुम्मी ने प्रश्न किया। कुम्मी ने कुछ प्रश्न पूछा। उसके विषय में लिखने को है ही क्या, उसमें विषय को लिखना ही क्या है? वह विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। हर एक विद्यार्थी के घर में ना मशीन होती है जिस पर टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप उसके सामने बैठकर हमें यह सब याद करना होता है। उसी नियम से हमें उसके आगे बैठकर हमें ये सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। ये जो मशीन होती है जो हमें ये मशीन बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में ढाल देना होता है। जब हम ये सारा होमवर्क कर लेते हैं तो उसी मशीन में ढाल देना होता है। हमारी गलतियाँ बताकर फिर है हमें समझाती है, हमारी जब वो गलतियाँ बता देती है ना फिर वो हमें समझा देती है, समझाती है।
एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। जब ये एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता है तो वो थोड़ा सा टेस्ट लेती है कुछ, और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी, तो ये जो इतना बोल रही थी फिर वो थक गई थी। अंत में बोली, लास्ट में कुछ बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम, यह कितना उबाऊ होता है ये सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बात सुन रहा था, रोहित स्माइल कर रहा था और उसकी बात सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है, वो बोला, अरे बुद्धू स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है, वह इससे भिन्न होता है, वह इससे अलग होता है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों है, जो सदियों पहले होते थे। इसमें ना उन स्कूलों के बारे में लिखा जो बहुत पहले होते थे, जैसे अब होते हैं स्कूल्स। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता उगी जगी कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे, फिर भी ये जो मशीन से बने अध्यापक होते हैं रोबोट टाइप के, वो तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियाँ होने लगी थी, कुम्मी को कुछ याद आया कि जब वो भूगोल का एक सब्जेक्ट होता है उसमें उसकी गलती होती थी ज़्यादा, एक ही गलती वो बार बार करती थी, तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। फिर इसकी ये जो मदर है एक मोहल्ले में अध्यक्ष है उसको बताया, तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। फिर वो आदमी आया और उसने इस मशीन को, ये जो मशीन है इस टाइप की, उसको अलग कर दिया, उसको पूरा खोल दिया। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पूर्ण जोड़ नहीं पाए। फिर वो मन ही मन सोच रही थी कि ये जो आदमी आया इस बोर करने वाले अध्यापक को जोड़ ही ना पाए, पूरा नहीं जोड़ पाए, तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी, तो ये जो है इसको हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था, लेकिन फिर उस आदमी ने ये मशीन वापस जोड़ दी और उसकी माँ को बताया, लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पर थी। इसको लगता था ये जो कि जो मशीन की चक्की है ना वो बहुत तेज़ रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था, इसलिए आपकी लड़की को ये जो कुम्मी है उसको समझना मुश्किल हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, मतलब थोड़ी सी आराम से कर दी है, आराम से बोलेगा वो, सो आशा है अब ठीक रहेगा। सो वो सोचता है कि आई होप अब ये ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था, और उसी समय ये जो कुम्मी है इसको भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी, मन ही मन उसने उस मशीन वाले अध्यापक को, टीचर को कोसा था। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। फिर ये जो रोहित है उसने जब वो सोच रही थी ना, रोहित बीच में कुछ बोल पड़ा तो कुम्मी का सिलसिला टूट गया। बोला, हाँ तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं। हाँ उस टाइम, इस टाइम पे अब जैसे अध्यापक तो होता है पर मशीन नहीं होते, क्योंकि ये बात हो रही है 2155 की, लेकिन अब तो है 2021। कितना डिफरेंस है इसमें। पर उस टाइम अध्यापक होते थे, अब जैसे टीचर्स तो होते हैं पर मशीन थोड़ी होते हैं।
स्त्री और पुरुष होते हैं, मैन और वुमेन होते हैं टीचर्स। क्या कहा, कहीं कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? कुमी बोलती है, क्या कहा तुमने, क्या ये स्त्री और पुरुष हमें इतने सारे विषय सिखा सकते हैं? क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे। क्यों नहीं, ये जो बच्चों को ना वो सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे, होमवर्क देते थे और क्वेश्चंस पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसको जिसे स्कूल कहते हैं। बच्चे एक अलग जगह जाते थे जिसे हम स्कूल कहते हैं। कुम्मी का अगला प्रश्न था, कुम्मी ने एक और क्वेश्चन पूछा, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे? तो क्या ये जो सब बच्चे हैं वो एक समय में एक ही जैसी चीजें सीखते थे, एक जैसा वो काम सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, जैसे सेम एज के बच्चे सेम जगह बैठते थे, एक ही साथ बैठते थे। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है, लेकिन ये जो हमारी मदर है, ये जो कुम्मी की मदर है, वो कहती है कि ये जो मशीनी अध्यापक है वो बच्चों की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे, जब वो लोग थे इस प्रकार से नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। फिर रोहित बोलता है, रहन दो कि तुम्हारी अगर इच्छा नहीं है तो मैं तुम्हें ये बुक नहीं देता। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी कि तब स्कूल कैसे होते थे। कुम्मी जल्दी से बोली, नो नो, हाँ मैं इस बुक को पढ़ना चाहूँगी कि पहले टाइम पे इस टाइम पे स्कूल कैसे होते थे। कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। अब कुम्मी के लिए तो ये अजीब अजीब बातें, हमारे लिए तो नहीं है, हमारे लिए तो ये फ्यूचर के स्कूल अजीब अजीब बातें, ये रोबोट पढ़ाएंगे हमें। हाँ, ये कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, फिर इतने में जब उसकी मदर की आवाज़ आई तो कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है, लगता है कि ये जो उसको सबक मिलेगा उसका समय हो गया है भूगोल का। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। रोहित भी अब खड़ा हुआ और वो अपने घर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई और कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। अब अंदर है ये जो मशीन थी वो अब सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। अब मशीन से ये जो आवाज़ आ रही थी वो आनी शुरू हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, आज तुम्हें सबसे पहले मैथ सीखना है, गणित मैथ। कल का होमवर्क छेद में ढालो, तो यहाँ पे होल होगा वहाँ पे अपना होमवर्क डाल दो। कुम्मी ने वैसा ही किया, कुम्मी ने ही ऐसे ही कर दिया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे। कुम्मी सोचती है कि वो कितने स्कूल अच्छे होते होंगे जब वहाँ एक ही एज के बच्चे हंसते हंसते खेलते खेलते कूदते कूदते स्कूल जाते होंगे, और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे, पढ़ाने वाले मैन और वुमेन्स होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर अंक आने शुरू हो गए थे। इतने में जब वो सोच रही थी ये मशीन से ना कोई स्वर आ रहे थे और पर्दों पर ये वर्ड्स चलने लग गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने
में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। और कुमी सोच रही थी कि उस टाइम स्कूल जाने में कितना मज़ा आता होगा और कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। द पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज आइजक असिमोव। आइजक असिमोव। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू इट्स बैक एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स। If you like this video, please like it, share it, comment it, and don't forget to subscribe it. Bye, friends.